वैसे मुझे लगता है कि सारा कसूर ना भाभी का है। उन्होंने इस पे काम का इतना बर्डन डाल दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। जो मेन नहीं थी कि भाभी ऐसी सास बनेगी। एक बात और से सुन, इस घर में अम्मा या जहीर के ना होने का मतलब ये नहीं है कि तुम आयशा को और बच्चियों को धमकियां देने पर आ जाओ। ये बात ना भूलना, अब इस घर की बड़ी मैं और बच्चियों को और आयशा को घर से निकालने की धमकी देने से पहले 100 बार ये जरूर सोच लेना कि ये घर तुम्हारा है भी कि नहीं। आयशा, कोई जरूरत नहीं है राहीला का कोई भी काम करने। इतनी बड़ी रकम? हे यार, पहले बताएं हमें। यार, मस्कत जाने के लिए रकम की जरूरत थी, हाशिम से उधार भी है, इसीलिए अकाउंट में डलवाने के लिए दिया है ना। फराज सर, हमें घुमाए मत, सच सच बताएं। देखो, अगर आप मुल्क से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अपने अकाउंट में कुछ रकम शो करनी होती है, इसे शो मनी कहते हैं। हर बात समझाओ बस तुम्हें। चले, मान लिया हमने। आप हाशिम भाई से कहिए कि आपको फौरन नौकरी का इंतजाम करें मस्कत में। है तो कोशिश कर तो रहा हूँ ना सायका। अभी सवाल जवाब बंद करो यार, खुदा के लिए, सर में दर्द हो रहा है, कुछ चाय पिलवा दो प्लीज। और अपने हाथ की चाय मत पिलाना, ऐना को बोलना वो बहुत अच्छी बनाती है। कमाल की बात है, उमा गुजर गई हमारे हाथ की चाय पीते पीते, आज आपको बुरी लग रही है। अरे जब अच्छी चाय पी लो ना तो पता चलता है कि बुरी चाय क्या होती है। तो फिर सुन, ऐनी बिस्तर पे पड़ी हुई है और फाखिर ने उसके लिए नौकरानी रखी, उसके हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। फोन कहाँ से आ गया इसमें? ठीक पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। जी राहीला, कैसी हैं आप? लगता है आप हमें भूल ही गई हैं। अरे कोई खिदमत का मौका दे हमें भी। अब खिदमत की क्या जरूरत है अब आपकी? मुझे नहीं लगता आपकी कोई खिदमत चाहिए होगी। थैंक यू। अरे ऐसी भी क्या बेरुखी है, सुना है आपके शौहर और जेठ बिजनेसमैन लोग हैं, काम में दिल नहीं लगता ना पैसा कमाने में लगता है। भाई उसकी कोई शादी वादी करा दे अपने ससुराल में लड़की देखकर। तो अकरम साहब मैं क्या करूंगी इसमें? भाई देखे, आपने करना क्या है ये कि भाई अपने ससुराल में अब देख लें, कोई अब सुना है कि आपके ससुराल में बड़ी लड़कियां हैं, कोई खूबसूरत कम उम्र लड़की देख लें और ठीक ठाक कैश दिलवा दें जायज में। है तो एक कम उम्र खूबसूरत लड़की मेरी नजर में। अरे हमने तो हमेशा मिलके साथ काम किया है और 50-50 में किया है, आपको पता है। याद है ना आपको बुढ़िया के घर डाका? अरे चुप 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 चुप, आप वो बात कहाँ लेके बैठ गए हैं? भूल जाइए इस बात को। मैं करती हूँ ना बात घर में, मैं पूरी कोशिश करती हूँ रिश्ता कराने की। आप बेफिक्र रहें। और सुनिए, पिक्चर भेज दीजिएगा अपने भांजे की व्हाट्सएप पे, मैं देखती हूँ। शादा जरा चाय तो बना दो और फराज साहब के चाय में ना 2 चम्मच चीनी डालना। जी ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तो खानों में मसाले क्यों नहीं डालती, ना नमक ना मिर्च? क्या अस्पताल में नौकरी करती थी? नहीं, मुझे तो बड़ी भाभी ने कहा कि नमक मिर्च कम डाला करो। बड़ी भाभी ने कहा था, लेकिन इस घर के मालिक की बहन है हम, हमारी भी तो सुननी है ना, हम कह रहे हैं डालो। हाँ शादा, जरा रोगन कम रखना आज के खाने में। अच्छा
बेटी तुम्हारी बीमार हुई है और तुम हम सबको अस्पताल का खाना खिलाने पे तुली रही हो आयशा। ऐसी कोई बात नहीं है सायका, बेटी मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। बल्कि मैं इसलिए कह रही थी कि इस तरह के खाने बनाने का शादों को बड़ा तजर्बा है। वैसे बड़ी खुश नसीब है तुम्हारी बेटी, मतलब देखो ना हमारे खामद ने कभी हमारे लिए इतनी सहूलतें नहीं दी। खैर हम भी इस घर में रहते हैं, हमारी भी पसंद का ख्याल करो, नमक मिर्च सही डालना, ठीक है। लेकिन भाभी तनख्वाह तो मुझे बड़ी भाभी देंगी, तो बात भी मुझे उन्हीं की माननी चाहिए। तुम्हें नहीं पता यहाँ की सियासत का, जिस तरह कह रही हूँ ना वैसे ही कर लो, वरना तो बस अच्छे काम को जाके नाया को देखो वो क्या कर रही है, और पूछ लेना कुछ खाना हो तो। जी अच्छा। आइए आइए तशरीफ लाइए। सारा दिन गुजार कर ऑफिस जब बंद होने वाला होता है, लोग घर जा रहे होते हैं, तो आप आ जाते हैं ऑफिस। हाँ से अम्मा मेरे होने ना होने से यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, समझ तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं आता, और बाकी जो भी काम काज है उसके लिए जिमी मामू हैं, देख लिया करेंगे। तुम करना क्या चाहते हो? अब पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, ताकि बिजनेस मैनेजमेंट की एक डिग्री ले लूँ, कारोबार को तो समझो। सिर्फ तुमने बहुत अच्छी बात की है फाखर, मुझे तो खुशी हो रही है ये सुनकर। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, जरूर पढ़ो। कौन से कॉलेज में तुम दाखिला लेना चाहते हो बताओ मुझे। मेरे सारे दोस्त वगैरह जो हैं वो बाहर पढ़ने चले गए, मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी बाहर ही पढ़ लूँ जाके, ज़्यादा आसान है और सही भी है। ऐसी बातें कर रहे हो तुम फाखर, तुम्हें हालात पता है, तुम पे जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तुम्हारे दोस्तों पर नहीं है, उनके हालात मुख्तलिफ है, तुम्हारे मुख्तलिफ है। जिम्मेदारी है नाया की जिम्मेदारी है, मैं अकेले ये सब कुछ तुम्हारे बगैर तो नहीं संभाल सकती ना, मैं हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर। तो ख्वाब है ना, मैं भी तो पूरा करना चाह रहा हूँ उनको। तो तुम्हारे ख्वाब ये पढ़ने के डिग्री के ये सब यहाँ रहकर भी पूरे हो सकते हैं। मैं इसलिए बाहर जाना चाह रहा हूँ ताकि मैं एक एक्सपीरियंस लूँ, एक्सपोजर लूँ बाहर का, मैं सबको देखता हूँ, मैंने देखा है उनकी जिंदगी किस तरह इवॉल्व हुई है, और मैं नहीं चाहता कि लोग बाहर देख के ये बोले कि मुझे बिजनेस जो है खराब में मिला, मैं इसके काबिल बनना चाह रहा हूँ। तुम्हारी दोस्त वो आमना, वो भी तो बाहर गई थी ना पढ़ने के लिए। गई भी थी बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन अब आ गई है वापस पाकिस्तान। जिसने भी ये ख्याल तुम्हारे जहन में डाला है ना बाहर जाके पढ़ने का, उसको कह देना कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे हालात तुम्हें इजाजत नहीं देते, ठीक है। गलत समझ रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। क्या है ये, किस बात की जिद लगाई हुई है? पता नहीं कहाँ रह गई सलीमा, एक रिश्ता दिखा के गायब ही होगी, बात तो ऐसे गई थी जैसे 100 रिश्ते इसके पास। रिश्ते वालों को क्यों कोस रही हो, तुम्हारी अपनी बेटी ने ट्रे उलट दी उन पे चाय की, ऐसे कोई रिश्ता लेकर आएगा भला तुमसे मतलब, और तुम यहाँ क्यों आई हो मेरे मामला में मत बोलो। वाह भाई वाह, मैं तो बस ये याद कर रही थी कि कितना अच्छा लड़का था, क्लौता से बेहतर रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, वरना मुझे क्या है? अरे अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रही हो, मेरी मत मारेगी ये, बस दिमाग खराब हो गया, बस जिस मुंह में आया बोल दिया। अच्छा सॉरी ना, तुम तो मेरी प्यारी भाभी हो। हाय ला, मुझे पहली बार किसी ने भाभी बोला इस घर में। अरे उस आयशा को तो मैंने कभी भाभी समझा ही नहीं, तो है ही कम अकल। भाभियाँ तो तुम जैसी होती हैं, शौहर के साथ साथ पूरे घर वालों का ख्याल करती है। तुम्हें पता है फैमी, तुम हो बहुत झूठी, मतलब ये सब भी जो तुम अभी बोल रही हो ना, ये भी मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रही हो। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि तुम इस घर में सबसे ज्यादा अकलमंद हो। अच्छा ये बताओ ना कि क्या बता रही थी तुम लड़के के बारे में, कैसा है, फैमिली कैसी है? अरे इकलौता है, बेहतरीन लड़का है, मतलब खाते पीते घराने से है, बस क्या बताऊं। तो वो मान जाएगा मेरी ईमान के लिए? मेरी मुट्ठी में है, मनवाना तो पड़ेगा।
बस डायला, अगर ऐसा हो जाए ना, मैं तो तुम्हारी गुलामी बन जाऊं। अरे गुलामों की क्या कमी है मुझे, हर कोई मेरा गुलाम है। मुझे जो तुमसे चाहिए होगा ना, मैं खुद बता दूंगी। लेकिन एक मसला है फैमी। वो क्या? जहेज देना पड़ेगा कैश में। इकलौता लड़का है ना, तो एक ही बहू है, अब उसी से पूरा करेंगे ना सारा खर्चा। बोलो रायला, तुम तो जानती हो सज्जाद की डेथ के बाद मेरी क्या पोजीशन है। भाभी तो खर्चा ही बड़ी मुश्किल से उठा रही है हमारा। तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है फैमी, तुम उसे सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई हो। फायदा नहीं उठाया तुमने अपनी पोजीशन का। देखो, जहीर भाई की बहन हो तो राइट, तो जो तुम्हारा हक है इस घर में, वो तुम अपनी बेटी की शादी में लगवाओ ना उनसे। कितनी बार अपना हिस्सा मांग चुकी भाभी से, वो तो चाहती है कि अमन की शादी ही ना हो, बस खर्चा बचाना चाहती है वो अपना। इसका तो बस अब एक ही हल है, झटपट निकाह कर दिया जाए। पता उससे होगा क्या, जब निकाह हो जाएगा ना, तो रुखसती करने के लिए, इज्जत बचाने के लिए खुद ही पैसे निकाल देंगे सारे। हाँ कह तो तुम ऐसे सही रही हो, मजबूरी हो जाएगी ना। मैं तो ऐसे ही मशवरे देती हूँ, और मुझे भाभी का करो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही है। बीमारियों की छुट्टी के बाद पहली बार कॉलेज जा रही हूँ, गुड लक। थैंक यू। वो शादाबाजी को समझा दिया था ना नया के बारे में सारी चीज़ें? हाँ समझा तो दिया था वैसे, लेकिन अगर उन्हें फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी ना, तो अम्मा हैं घर पे, वो उनसे पूछ लेंगी। यार मैं चाह नहीं रहा इस बारी कोई गड़बड़ हो, सब हाथ तोड़ के पीछे पड़े हैं उनके। हल्की सी भी ऊँच नीच होगी ना, फौरन निकलवा देंगे। मुझे अभी अभी याद आया कि इनाया ने ना कल दलिया खाया था और उसको वॉमिटिंग हो गई थी। मैं ना उन्हें बता देती हूँ कि इनाया को दलिया नहीं दीजिएगा। सर बता देना उनको, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। क्या? आओ बैठो यहाँ पर। तो नहीं, मैं दोबारा पढ़ना चाह रहा हूँ यार। मम्मा तो शायद ही मेरी बात सुने, तुम्हारी सुन लेंगे, तुम एक दफा बात कर लो उनसे। फिर इतनी छोटी सी बात है, तुम मुझे इतना सीरियसली बता रहे थे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पढ़ाई में हमेशा सपोर्ट करती आई हूँ मैं, और अभी भी करूँगी। मुझे यकीन है कि बड़ी अम्मी को ना इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। एतराज है उन्हें यार। देखो मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ यार, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाहर जाके पढ़ लूँ। बाहर? हाँ। आखिर जब तुम यहाँ पे पढ़ते हो, तुम पढ़ाई से भागते हो, तो तुम बाहर जाके कैसे पढ़े हुए? यार पढ़ लो हुए हैं, कोई बड़े मसले की बात थोड़ी है यार। मैंने बहुत कोशिश की है नहीं कि मैं किसी तरीके से बिजनेस को संभाल लूँ, देख लूँ, लेकिन जब तक मुझे ज़ाहिर नॉलेज नहीं होगी मैं किस तरह करूँगा ये सारी चीज़ें। अपने दोस्तों को देखता हूँ, देख रहा हूँ कि वो पढ़ाई में किस तरह एक्सेल कर रहे हैं, उनको पता है इन सब चीज़ों के बारे में। इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी बाहर चला जाऊँ, पढ़ लूँ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के कम से कम शर्मिंदा तो ना हो। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे नाया को, बड़ी अम्मी को, हम तीनों को यहाँ पे छोड़ के बाहर चले जाओगे दूर पढ़ने के लिए? घर के सारे बड़े बाहर जाते हैं ना, ऐसे हैं ना घर जहाँ पे उनके अम्मा अब्बा या जो भी लोग हैं बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, तो फैमिलीज जो है वो सैक्रिफाइस करती है इस चीज़ पे यार। हम भी कर सकते हैं, सोचो ना यार, मेरे लिए अच्छा है दिन। गाड़ी में जा रहा हूँ, चाबी भूल गया।
क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ी खुश नजर आ रही हो। तुम्हें पता है सायका, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला एमन थी, और अब वो मसला ना मुझे हल होता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे? राहिला ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया मुझे। छोड़ो राहिला के रिश्ते को, खुदा का खौफ करो। कभी कभी बुरे लोग भी ना आपके लिए अच्छा कर देते हैं। अच्छा लड़का है वो भी इकलौता। क्या हो गया है तुम्हें? एनी का हाल नहीं देखा तुमने? एमन के दुश्मन तो सभी है इस घर में, लेकिन तुम तो खाला हो सायका, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतना अच्छा इकलौता अमीर लड़का, तुम्हें तो एमन के लिए दिल से खुश होना चाहिए कि इतना अच्छा रिश्ता आया उसके लिए। पागल हो गई हो फेमी? सुकून से एमन का कहीं कॉलेज में दाखिला कराओ। अब जरूरी तो नहीं जो गलती जहीर भाई ने की हो वो हम भी दोहराए, पछताओगी तुम। अच्छा तो जब आपकी सलीमा उसके लिए 40 साल के मर्द का रिश्ता लेकर आई थी वो ठीक था, और अब रिश्ता राहिला लेकर आई तो गलत कैसे हो गया? देखो मेरी बात सुनो फेमी, मैं मानती हूँ कि पहले हम भी जल्दी शादी के हक में थे, लेकिन जब से एनी को अस्पताल में देखकर आए हम बदल गए। ये छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां, छोटी सी उम्र में बच्चा, ये सही नहीं है। बस बस ठीक है सायका, रहने दो। मुझे तो लगता है कि तुम समीना भाभी की जुबान बोल रही हो। तुम सब लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं और उसके बाद मेरी बेटी बेआसरा हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सब दुश्मन बन गए मेरी एमन के। बात तो सुनो फेमी, इसके दिमाग को क्या हो गया? मैम मैं सचमुच में बीमार थी, आप मेरी रिपोर्ट ही पढ़ने कम से कम। आजकल हर अगला बंदा इस तरह की रिपोर्ट लेकर आ जाता है। होगा तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार लैब में, या होगा डॉक्टर? ऐसी कोई बात नहीं है मैम, आपके सामने मुझे कॉल आई थी और जब मैं घर जाने लगी तो मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई थी क्योंकि मेरा बीपी लो था। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। मेरी अम्मा हाउसवाइफ है और मेरे अब्बा। तुम्हारे अब्बू नहीं है? अब्बा हैं, अब्बा हैं, लेकिन वो मसरूफ होंगे। मैं आप कहती तो मैं अपनी अम्मा को कॉल कर दूंगी। ठीक है जाओ। जी मैम। ये तुम्हें तो आइडिया है ना, ये सारे टेक्निकल फॉर्म्स वगैरह फिल करने का, समझी वही बात है फिर जो। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। तुम मुझे ये तो बताओ पहले कि एनी की तबीयत कैसी है। शुक्र है बेहतर है यार, एक आध दिन हमने नायक को संभाला, हमारी तो जान निकली थी, लेकिन अब इतनी बेहतर हो गई है, वो देख रही है नायक को। फास्टर मैंने तुम्हें कहा भी था कि एनी की हेल्प के लिए किसी को रख दो, वो बेचारी रेस्ट भी नहीं कर रही, दोबारा से बच्ची को देख रही, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगी। तक नहीं थी मैडम, हमने उसके लिए मेड, साथ के घर वाले सारे बाहर जा रहे हैं तो जो उसके घर में काम करती थी साथ में, मैंने उन्हीं को बोल दिया था कि आप हमारे यहाँ आ जाए। अच्छा ये बताओ क्या चाहते हो, क्या करना है? यार यही है कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था ना, कारोबार से बन रहा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी जो है वो संभाले नहीं जा रही थी, तो मैंने ये था क्या चलो एटलीस्ट पढ़ाई तो करो ना यार। और मैंने वैसे भी कारोबार में जो है वो जमशेद मामू से जो है वो हेल्प ले ली है, तो मुझे ये पता है कि चलो ठीक है कोई तो है देखने वाला, तो बस अब बाहर पढ़ना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँ बाहर ही। तुमने एनी से और अपनी मामा से डिस्कस किया? यार पहले टोफिल क्लियर हो जाए उसके बाद कर लूँगा बात उनसे। आखिर देखो तुम्हारे अबू के जाने के बाद तुम्हारी मामा तुम पे डिपेंड करती हैं, और एनी तो खुद एक बच्ची को संभाल रही है, सब यू नो यू नीड टू आस्क देम, वो शायद अग्री नहीं करेंगे तुम्हारे बाहर जाने पे। मुझे बस ये लगता है कि अगर वो मेरे मामलात समझते हैं, अगर उनको मेरा पता है, तो वो मुझे कभी भी इमोशनल ब्लैकमेल करके रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। दैट्स ऑल आई नो फॉर नाउ, बट बस अब ये है कि रिएक्ट किस तरह करेंगे ये देखना है। आई स्टिल थिंक यू शुड टॉक टू देम। लेट्स सी नाउ। फैमी मैंने तुम्हें बताया था ना कि बाबर के घर में एक रस्म है, मतलब उनका रिवायती हिसाब है ये कि जहेज वो लोग कैश की फॉर्म में ही लेते हैं सिर्फ।
एमन, एमन तुम क्या हवत कमरे में बंद रहती हो? बाहर निकला करो, सबके साथ बैठा करो, और कुछ नहीं तो मेरे ही हाथ बटा दिया करो घर के कामों में। मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ अम्मी। खुद को बदला भी तो जा सकता है ना एमन। अच्छा सब छोड़ो, ये देखो, बताओ ये लड़का कैसा है? क्या खास बात है इस लड़के में? खास बात ये है कि राहिला ने ना इसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। लड़के को और लड़के के घर वालों को तुम पसंद आ गई हो। मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे ना अभी शादी करनी है ना पढ़ना है, मुझे ऐसे ही रहना है कुछ टाइम। हाँ रहना है ऐसे ही तुम्हें, अपने मुवानी के रहमो करम पे, इस कमरे में महदूद होके घुट घुट के जिंदगी गुजारनी है। किसी अजनबी के घर रहने से तो बेहतर है ना अम्मी, एटलीस्ट ये मेरे मामू और नानी का तो घर है। तुम्हें कैसे समझाऊं अमन, लड़कियां सारी जिंदगी अपने माँ बाप के या नानी के घर पे नहीं रह सकती, शादी तो करनी होती है उन्हें। तो बेहतर है ना कि इस लड़के को तुम पसंद आ गए तो इसी से कर लो। कब तक यूं ड्रेस सजा सजा के सबके सामने आती रहोगी और लड़के की माँ के बच्चा गिराती रहोगी तुम? मैं आपको कैसे समझाऊं, आपको क्यों समझ नहीं आती है? 4 से 5 साल तक मुझे शादी नहीं करनी है, उसके बाद देखेंगे। अपने बाप को बढ़ते हुए देख लिया ना तुमने, कैसे कैसे बेआसरा पड़ी मैं लोगों के। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती है बस, अगर 5-6 साल में मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा इस घर में। अच्छा इधर आए, रोए नहीं। देखो अम्मा प्लीज बेटा, शादी तो करनी होती है ना, मान जाओ। परसों वो लोग आ रहे हैं घर पे, तो शायद निकाल में भी जल्दी करें, मान जाओ। भाभी आप ऑफिस नहीं गई? तबीयत ठीक है? ऐसे ही बस कुछ थक सी गई ज़हनी तौर पे, पाकर गया ऑफिस। तो आप मुझे बताती, मैं कुछ बना देती आपके लिए दलिया, अब जाके आराम कर लीजिए, बैठी भी क्यों है? अरे मेरी तबीयत खराब नहीं है, ठीक हूँ मैं। तुम सब्जी क्यों काट रही हो, शादा कहाँ है? भाभी आपको उसका पता है, एक काम को 1 घंटा लगा देती है, मैं सोचा मैं ही कर लूं। और अनाया अब तो उठ गई होगी ना? सो रही है मामी। अब तक सो रही? इतनी देर तक तो वो कभी भी नहीं सोती। जरा जाके चेक तो करो, तबीयत ठीक है ना उसकी? अभी शादा ने सुला दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सो रही है। इतने में कुछ काम निपटा लूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। पता नहीं आयशा, मुझे कुछ गड़बड़ लग, धड़का सा है। हमारे पास जब अनाया होती है तब तो इतने आराम से नहीं सोती, इतना तंग करती है, इधर होती है, शादा उसको 10 मिनट पे सुला देती है। क्या मतलब? कुछ गड़बड़ है। ये जो बच्चे संभालने वाली आया होती है ना, मैंने बहुत सुना है कि वो इसीलिए मैं नहीं रखती घर में नौकर, ये बच्चों को कभी कभी वो बिला वजह ही खांसी का शरबत पिला देती हैं जिसमें नींद की दवा होती है, ताकि इनको कुछ ना करना पड़े और बच्चा सोता रहे। तुम जाके चेक करो। या अल्लाह भाभी क्या कह रही हैं आप? हाँ वाकई जब शादा उसको सुलाती है तो मेरी बच्ची सोती रहती है लंबा, अभी तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम जाओ, छोड़ो ये काम, छोड़ो, अनाया को जाके चेक करो, उसकी दवाइयां भी चेक करो। मैं जाके भी देखती हूँ। जाओ। तो कब होगा हमारा निकाह? तुमने बात की है अपनी बीवी से? देखो शाजिया, उससे बात करना बहुत मुश्किल है,
वो किसी सूरत नहीं मानेगी। और फिर मैं रहता भी उसके मायके में हूँ तो वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। वो फराज, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। अच्छा चलो, तुम वो अपनी बीवी को उसके मायके में ही रहने दे, हम निकाह कर लेते हैं, उसके बाद बता देना उसको क्या कर लेगी फिर वो। भी इस तरह से तो और ज्यादा हंगामा करेगी। हम अगले हफ्ते निकाह कर रहे हैं बस। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तुमने सोचने समझने में पहले ही बहुत वक्त गुजार लिया है। मैं चाहती हूँ कि अब ये काम फौरी हो जाए। लेकिन लेकिन निकाह के बाद होगा क्या? तुम मेरे घर पर रहोगे और एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करोगे, और क्या। बीवी बच्चों से कभी कभार मिलने चले जाएंगे। तो तुम ये कह रही हो कि मैं निकाह के बाद उसे इन्फॉर्म करूं? मतलब निकाह हो चुका होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही। और निकाह वाले दिन मैं अपने बिजनेस का 50% शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर करके अथॉरिटी लेटर बनवा लूं। और कार हमारी शादी का तोहफा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने? जो भी, मैं कुछ भी खा लूंगा। तो मुझे लेने क्यों आए? वैन वाले अंकल आने वाले थे। मैंने ही मना किया था उनको आने से, कॉल कर दी थी। क्यों? इन्हीं बात करनी थी मुझे, मैं इसलिए पिक करने आया हूँ सुबह। तुम्हें वही बात करनी होगी जो तुम्हें सुबह में करनी थी। वो बात मुझे सुबह भी नहीं अच्छी लगी थी और ना ही अब अच्छी लगेगी। एक चीज़ समझो यार, प्लीज़ एक दफ़ा समझो। हमारे बड़ों ने जो करना था उन्होंने कर लिया, नहीं अच्छा किया, हमें इस चीज़ का इल्म है। लेकिन जो हमारी बच्ची कुछ ज़िंदगी है, टूटी फूटी है, हम उसके बारे में तो कुछ सोच सकते ना, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में कर सकते हैं। और जब तुमने अपनी पढ़ाई का डिसीजन लिया मुझे अच्छा लगा, मैंने तुम्हें उसमें सपोर्ट किया जितना मैं कर सकता था। और मेरे लिहाज से भी सोचो ना यार, मैं उस टाइम पे सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेके, और अब हो गया हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरी पढ़ाई से पता नहीं क्या मसला हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है फाखिर, जो तुम्हारे बाहर जाने से और पढ़ने से मसला है। मुझे, इनाया को, बड़ी अम्मी को, हम सबको तुम अकेला छोड़ के बाहर चले जाओगे, मुझे इस चीज़ से इशू है। काबिल बिजनेसमैन बनने के लिए मेरे पास डिग्री होना ज़रूरी है ना? वैसे ही एक अच्छा बाप बनने के लिए मैं कम से कम इतना तो उस काबिल हो जाऊँ ना कि अपनी औलाद का फिर से अपने बल पे उठा सकूँ। तो ये सब तुम यहाँ पे भी कर सकते हो? नहीं कर सकता यहाँ पे, कब से कोशिश कर रहा था। हाँ, क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, और तुम बाहर की पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसे मैच करोगे? मुझे आदत है ग्रुप स्टडीज की, ठीक है, हम सारे वहाँ दोस्त जाएंगे, एक साथ इकट्ठा मिलकर पढ़ेंगे, मैं सुकून से पढ़ लूंगा, ग्रेड्स भी अच्छे आ जाएंगे मेरे। बड़ी अम्मी ना ही तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त देंगी और ना ही तुम बाहर जाओगे, बस बात खत्म हो गई। हटो ना। आखिर आराम से। भाभी भाभी, मैं नया को उठाने गई, नहीं उठी, आप सही कह रही थी। ये तो पूरी नहीं थी, ये तो कफ सिरप है। ये वही है जो अभी आई है कुछ दिन पहले, से कह रही थी ना। शादा, दिमाग, शादा जी। बड़ी भाभी आपने बुलाया? शादा भाई, तुमसे गुर पूछना था कि तुम अनाया को सुलाती कैसे हो। तो ये नहीं कर सकते, इतना रोती है वो, इतना तंग करती है, और इतनी देर तक सोती भी नहीं है। तुम सुलाती हो तो दो दो तीन तीन चार चार घंटे सोती रहती है सुकून से आराम से। भाई क्या जादू करती हो तुम, क्या खिलाती पिलाती हो उसको? भाभी मैं तो कुछ भी जादू नहीं करती, मैं तो सुला देती हूँ और किचन में चली जाती हूँ। तभी ये बोतल जो है ना कप सिरप की, ये भरी हुई थी, अब ये खाली है। शादा बीबी, आपका बहुत शुक्रिया, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। आपका जो हिसाब बनता होगा वो हम आपको दे देंगे, आप जाइए। छोटी भाभी बड़ी भाभी को आ है ना, शादा जाओ यहाँ से। उसको
चाहिए तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज आया ना, मैं फौरन आ गई तुम्हारे पास। तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे रहती है ना, आना मुश्किल था वहाँ तक। कोई बात नहीं, ऐसी हालत में तबीयत हो जाती है ऊपर नीचे। वैसे भी काम मेरा है तो मुझे ही आना चाहिए था। हाँ ना, मुझे कितनी रकात का सवाब है, मैं तो बस नेकी कर रही हूँ। अच्छा सुनो, बाबर के माँ बाप चचा अकरम के साथ इतवार को आ रहे हैं, सही? लेकिन झटपट निकाह करना चाह रहे हैं वो लोग। इतनी जल्दी ऐसे कैसे, मैं अकेले इतना बड़ा फैसला कर सकती हूँ? मेरी इकलौती बेटी है अमन। क्या मतलब नहीं कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ इन लोगों को, मैं गारंटी ले रही हूँ, शरीफ लोग हैं। और भाई अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस है ना, तो खुद ढूंढ वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता। नहीं नहीं, मैं कहाँ से ढूंढती फिरूंगी, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि एक बार मुलाकात हो जाती। मेरे तो कोई जानने वाले नहीं है, मैं तो घरेलू सी औरत हूँ, मेरे तो बस मैके में ही जानने वाले हैं। और अगर मैके में कोई उसके जोड़ का होता तो मैं तुमसे क्यों कहती? बात तो ठीक है तुम्हारी, माँ हो, परेशान होना तो बनता है। मैं काम करती हूँ, बाबा की जो अम्मी है शाहाना, उनका नंबर दे देती हूँ तुम्हें, उनसे बात करके तसल्ली कर लो। यू नो मैं क्या बात करूँगी ऐसे फ़ोन पे उनसे, आ रहे हैं ना इतवार को, इतवार को ही मिल के बात कर लेते हैं। सादा बेहतर तो यही है। फहमीन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बाबर के घर में एक रस्म है, मतलब उनका रिवायती हिसाब है ये, कि जहेज वो लोग कैश की फॉर्म में ही लेते हैं सिर्फ। हाँ, बस एक बार मुलाकात हो जाए पहले, फिर कर लेंगे कैश का बंदोबस्त भी। करती हूँ सुमीना भाभी से बात पे, तुम ना बस मेरा एक काम करना, अब हबीब को कहना कि भाभी को कॉल करने में ना वो मेरा साथ दे, मैं कहीं बहस करते हुए अकेली ना पड़ जाऊँ ना। तुम्हें तो पता है कि भाभी क्या कोई भी अमन के रिश्ते के लिए राजी ही नहीं है घर में। फहमी, राहीला किसी बात के लिए राजी हो और हबीब उस बात में राजी ना हो, ऐसा भला हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बेफिक्र रहो, सब कर लूँगी मैं। ये लो, फ्रूट खा लो। हाँ, परेशान ना, फ्रूट खा। अब तुम भी खाओ। हाँ। अम्मा, शादा बाजी को क्यों निकाला है आपने? अच्छा भला काम तो कर रही थी, सफाई सुथराई कर रही थी, ऐनी को देख रही थी, अनाया को संभाल रही थी, करके जो भी काम थे कर तो रही थी। अभी बेचारी कॉल करके रो रही है, अम्मा जरूरतमंद है, अच्छा लगता है कोई गरीब रोता हुआ। तुम्हें अंदाजा है मैंने क्यों निकाला है उसको? कुछ पता है तुम्हें? अनाया को बिला वजह कफ सिरप देकर, जिसमें नींद की दवाई होती, चार चार पांच पांच घंटे के लिए उसको सुला देना। वो क्यों करेंगी अम्मा ऐसा? ये ऐसा ही करती है ताकि बच्चे का कोई काम ना करना पड़े, उसको लेकर टहलना ना पड़े, उसको सुलाना ना पड़े, उसको बहलाना ना पड़े, बस दवाई दो और वो सो जाए ताकि इनको कुछ ना करना पड़े। तुम्हें अंदाजा है ये कितनी खतरनाक बात है? था नहीं, चले अब ढूंढते हैं किसी और को, देख लें अब आपको जो भी मिल जाए। मुझे बस ये हो रहा था कि यानी बेचारी जो है वो, उस पर दोबारा काम का सारा लोड आएगा, वैसे भी आपको पता है वो कोलैप्स कर गई थी रोड पे, ठीक है, सही है, जो सही लगे आपको देख लें। अगर तुम इसको एक चांस देना चाहते हो तो उसको अच्छी तरह समझा देना कि अब गलती की गुंजाइश नहीं, अगर उससे कोई छोटी सी भी गलती हुई तो वो नौकरी से नहीं निकाली जाएगी, सीधा थाने जाएगी, जेल जाएगी। और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि उसके पास अनाया कभी अकेली ना हो, घर का कोई ना कोई बंदा हर वक्त उसके साथ, समझ रहे हो तुम? और लगाओ वो क्या कैमरे होते हैं बच्चों के, मॉनिटर करने वाले, लगा तो बात करता हूँ इन्हीं से। क्या ढूंढ रहे हैं फराज साहब? यार मेरी आसमानी शर्ट नहीं थी, नई वाली मिली नहीं रही। अब ये अचानक आपको आसमानी शर्ट कहाँ पहननी? सायका बेगम, इंटरव्यू है मेरा,
मस्कत की कंपनी में इंटरव्यूज आए, अप्लाई किया था मैंने। सच? ये तो बड़ी खुशखबरी की खबर है। तो चलिए मैं ढूंढ देती हूँ। आप इंटरव्यू है कब? यार बस मैसेज करेगी तो पता चलेगा। कौन मैसेज करेगी? यार कंपनी से जो सेक्रेटरी है, मेरा मतलब सेक्रेटरी करेगी ना मैसेज टाइम के लिए। अच्छा चलिए, अल्लाह का शुक्र है आपका इंटरव्यू ठीक ठाक हो जाए, मैं फल अदा करूंगी। चलिए आप रुके, मैंने जैसे इस्त्री करना। हाँ मैं ढूंढ। हाथ मुंह धो लो। हाँ पहले वो फिनिश करो। अच्छा पूछा ले लो। मजीद बेटा आपकी बहन आई हुई है, अब 6 में से 4 दिन तो छुट्टी हो जाती है इसकी वजह से। मम्मी क्या करूँ, अभी अभी चुप हुई है, छोड़ ही नहीं रही है, जाऊंगी रोने लग जाएगी। अब वही करो जो रोज करती हो, फाखिर को बोलो तुम्हें जाते हुए जाओ, छोड़ता हुआ जाए कॉलेज और इसको सुलाओ। अच्छा चुप आओ। अम्मा वैसे फाखिर ना फजूल में ही मैन अंकल की फीस दे रहा है, रोज तो मैं उसके साथ ही चली जाती हूँ। आप एक काम करिए, तो मुझे फोन तक भी नहीं जाने देंगी, मैं फाखिर को फोन कर देती हूँ किसी न किसी तरीके से, आप वैन अंकल को मना कर। मैं मना कर, तुम इसके पास ही रहना वरना बहुत रोएगी। मैं जा रही हूँ। हाँ कहो। अच्छा छोटे छोटे पीसेस। अच्छा नहीं 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 जा रही मैं। हाँ नहीं जा रही मैं, नहीं जा रही। क्या हुआ तुम आज फिर को? पैन मिस हो गई फिर से, छोड़ के आऊँ कॉलेज। क्या करती, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंग्लिश का टेस्ट था, फाकर मिस हो गया, इसलिए शादाबाजी को रखा था मैंने इन्हीं कामों के लिए, निकाल दिया मैंने। खैर बात कर ली मैंने, वो आ जाएंगी शाम में। आ जाएंगी? बहुत अच्छी बात है। अभी क्या करूँ, अभी तो जाऊँगी रोने लग जाएगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ जितनी तबीयत ख़राब है ना इसके, तुम्हारे पास भी नहीं आएगी, अम्मा के पास वैसे भी नहीं जा रही और बड़ी अम्मी के पास भी नहीं जाएगी। तुम्हें काम करना, अगर अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी ना तो इससे मुझे वापस देना। क्या रो ये लो तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको साथ कॉलेज ले चलो, वैसे भी चलती गाड़ी बस हो जाती है, ये सुकून से आएगी, फिर मैं उसी ले आऊँगा ना। कैसे लेकर आओगे? आपसे तुम लेकर आ रहे होगे, ड्राइव कर रहे होगे, और या फिर सीट से गिर गए तो? क्यों गिरेगी सीट से, सीट पीछे करूँगा, बेल्ट बांधूंगा, आ जाएगी वापसी। तुम जल्दी से बस तैयार हो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। आ जाओ। आप प्लीज कुछ लीजिए ना, आप भी ले लेना आप लोग प्लीज। नहीं मैं लेती, आजकल इतना अच्छा खानदान, इतने शरीफ लोग कहाँ मिलते हैं। मैं यही तो बता रही थी तुम्हें, माशाल्लाह बहुत शरीफ लोग हैं। अकरम साहब को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बहुत शरीफ आदमी, और ये इनकी बहन और भांजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हम लोग बहुत सादा लोग हैं। जी इस बात का तो अंदाजा है मुझे। आप लीजिए ना कुछ, तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं आप लोग, आप भी लीजिए। अब तो